आप देख रहे हैं चुप्पी तोड़। नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत कर, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे। मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतने कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं उसमें इधर राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बेचैनी पैदा कर रही है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारतीय पार्टी। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले कांग्रेस मुझे ये मेरा देह है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमांड ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है, 40 साल 50 साल के पदों पर मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। लेकिन सर गांधी परिवार का विश्वास आप पर है और कहा यह जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद, गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन है उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे और जो मुझे फॉर्म भरना मैं फॉर्म भरूंगा, जो हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे वो भी मैं काम करूँगा। जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है आज मुख्यमंत्री भी वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा। मैं मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। क्या मेरा उपयोग है राजस्थान में है, दिल्ली में है, क्या भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात है, अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग, अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सपूर कर सकते हैं सर। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी यात्रा के लिए मेरी जरूरत है, मुख्यमंत्री के रूप में अध्यक्ष के रूप में मैं मना नहीं कर सकता, ये मेरी धारणा। आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे, अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक ये भी खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर क्या उन्होंने पास किया है? एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, या वो हाईकमांड नॉमिनेट करते हैं दो पद के नाते। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। अपनी वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, और मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूं। तो सर दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष? मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, एक पद पे, दो पद पे, तीन पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं मोड़, मैंने बहुत पद संभाल लिए। अब मैं मैदान में उतरूँ, राहुल गांधी के साथ दौरे करूं, यात्रा करूं, जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों का आह्वान करके हम लोग सड़कों पर लाएं, और ये जो फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ में हम लोग मोर्चा खोलें, ये मेरी हार्दिक इच्छा तो ये है। मेरी इच्छा क्या काम आएगी,
क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था, वो कोलगेट, टू जी स्पेक्ट्रम लोकपाल, वो कहाँ चले गए, वो नाम ले नहीं रहा है, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है, और कांग्रेस की मजबूती के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सर राहुल जी को मनाने आप जा रहे हैं, शशि थरूर से आपका मुकाबला हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप इस टक्कर को, लोग बड़े दिलचस्पी से देखो। मैं तो ये मुकाबले तो होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी होनी चाहिए, तभी तो लोगों मालूम पड़ेगा कि पार्टी में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। कब तो राजनाथ सिंह जी बन गए, कभी अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए बीजेपी से, और कब बन गए नड्डा साहब बन गए। कोई चर्चा होती देश के अंदर? हमारा सौभाग्य है कि देश का मीडिया सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करता है। हम आपको बहुत आभारी हैं आप लोगों के कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसे त्याग बलिदान और जो है कुर्बानी है आजादी की, पहले की आजादी की बात की, आज भी लोग याद करके जहन में है। इसलिए आज मीडिया वाले देखते हैं कांग्रेस, हालांकि वो मोदी मीडिया होगा, दबाव में होगा, ईडी सीबीआई होगा, उसके बाद उसके दिल के अंदर ये है ये पार्टी मजबूत रहनी चाहिए, हमारी मजबूरी है कि हम मोदी मीडिया बने हुए हैं। पर कांग्रेस का जो आजादी पहले का आजादी के बाद का इतिहास है वो किसी कीमत पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए देश के अंदर। इसलिए आज मीडिया हमारा चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव किसी की रूप में साथ देते देता हम आपका आभार। सर राहुल जी को आखिरी बार आप मनाने जा रहे हैं जो वो अध्यक्ष बने, आखिरी बार जाके मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने प्रस्ताव रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4-5 दिन पहले कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष स्वीकार करना, ये अभी हमारी इच्छा है। एज ए कांग्रेस अध्यक्ष वो यात्रा करते हैं तो और ज्यादा एक और बनेगा पार्टी का, मेरा मानना है। तो मैं जाके उनसे और बात करूँ, एक बार और प्यार करेंगे, उसके बाद जो मैं तय करूंगा तब मैं आपसे मिलूंगा। नॉन गांधी प्रेसिडेंट होगा तो गांधी परिवार की क्या सर ऑफिस एंड प्रॉफिट एक सवाल है, ऑफिस एंड प्रॉफिट लागू नहीं होगा? ऑफिस एंड प्रॉफिट जो होता है दो पदों पे रहने का मामला, चूंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान के कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का अगर आप अध्यक्ष होने जा रहे हैं। दो पदों पे रहने का जो मसला होता है, अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री अध्यक्ष कहा ना, ये जो पार्टी चुनाव हो रहा है ये तो ओपन सेक्टर लिए मेरा जवाब हो गया। सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू दोज हु वांट टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट? वन पीस ऑफ एडवाइस दैट you are taking on a position, it's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision of India. दो पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है बनता है वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो दो पोस्ट में काम हो नहीं सकता है। पर इसमें कोई बाहर नहीं है, जो कि अभी मीडिया में आ रहा है उसके अंदर ये इलेक्टेड पोस्ट है, कोई भी खड़ा हो सकता है इसके अंदर। वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता, परंतु कांग्रेस पार्टी कोई बनता है तो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उनको पूरे कंट्री का
देखना पड़ेगा, हर राज्य के देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पर रहना ज़्यादा उचित है। हालांकि मैंने तो ये कहा कि मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूं। मैं लगातार 40 साल तक केंद्रीय मंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी का महामंत्री और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूं। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भुखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार, और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो चुप।